एक बार एक शिकारी गांव से जंगल की तरफ शिकार करने जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक सांप मिल जाता है। वह तुरंत डंडा उठा लेता है और सांप को मारने लगता है। अरे मत मारो मुझे, अरे नहीं नहीं मत मारो मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा मुझे मारना ही है तो मेरा एक आखिरी इच्छा है, वह पूरी हो जाए तब मार देना आप मुझे। हाँ बोलो, आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी? मैंने ये पता करना है कि आखिर इंसान होते कैसे हैं। मैं और वो जानवरों से ये बात पता कर लूँ, उसके बाद चाहे आप मुझे मार देना। शिकारी ने भी उसकी बातों में सहमति प्रकट की और कहा, ठीक है तुम पता करो। थोड़ी देर तक वह रुके रहे। फिर वहाँ पर एक काओ आती है। अरे रुको काओ, रुको रुको गाय, रुको, ये बताओ कि इंसान होते कैसे हैं? काओ ने जवाब दिया, इंसान, अरे इंसान हमें खाना खिलाते हैं मगर बदले में हम भी तो उन्हें दूध देते हैं, इसीलिए वह हमें खाना खिलाते हैं। शिकारी को इसका जवाब नहीं मिला और गाय चली गई। फिर शिकारी और सांप इंतजार करने लगे कि कोई और जानवर भी वहाँ पर आएगा। इतनी ही देर में वहाँ पर एक बैल आया। उन्होंने बैल से पूछा, बैल बैल ये बताओ इंसान होते कैसे हैं? बैल ने जवाब दिया, अरे वो तो हमें मारते हैं और हमसे काम भी करवाते हैं। सारा दिन काम करो, बदले में थोड़ा बहुत खाने को दे देते हैं। यह बात सुनकर शिकारी कहने लगा, अरे छोड़ो इन दोनों को, चलो पेड़ के पास चलते हैं, पेड़ को मैंने पानी देकर उसे बड़ा किया है, चलो उसी से बात करते हैं। सांप पेड़ से कहता, पेड़ पेड़ ये बताओ इंसान होते कैसे हैं? पेड़ कहने लगा, इंसान, इंसान को मैंने छांव दिए, फल दिए, और जब बारी आती है तो इंसान मुझे काट देता है। यह सब बात सुनकर शिकारी बहुत हैरान होता है कि हम सब अपनी ज़रूरतों के लिए इन सब का कैसे उपयोग करते हैं। उसे इस बात का पछतावा होता है और वह सांप को कहता है कि सांप सांप तुम जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। उसको समझ आ जाता है कि इंसान बिना गलती बिना मतलब के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।